नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और उससे रिलेटेड आयुर्वेद में किस प्रकार के कल्पों का विचार किया जा सकता है। जैसे पिछले सत्र में भी मैंने कुछ कल्प बताए थे, जिसमें खास करके मेरा ये विचार था कि पीएमएस जो भी अलग लक्षण होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के, देखिए थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगी इसमें। इट इज नॉट ओनली डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया में केवल लाइक पेट दर्द और ऐसे लक्षण होते हैं। पीएमएस यानी मेंसेस आने के पहले, डिसमेनोरिया यानी कष्टार्थ, यानी जब मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो पेन रहता है, फर्स्ट डे को पेन है, कुछ लोगों में 2 दिन रहता है, नॉजिया और मीटिंग, बैक पेन और एब्डोमिन पेन वगैरह वगैरह। तो डिसमेनोरिया में तो अलग ट्रीटमेंट होगा, बट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी मेंसेस आने के पहले से ही, 3 4 दिन से ही या उसके बाद भी एक आध दिन में जो भी लक्षण शरीर में निर्माण होते हैं, उसमें आयुर्वेद का विचार किस प्रकार से किया जाए। इसमें कुछ कल्प जो है अलग अलग रूप के, उसको भी मैं बताऊंगी कि जैसे आमतौर पर आप सभी जानते हैं रज प्रवर्तिनी वटी है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, बट हाउ इट कैन बी यूज्ड सेफली और इसको कैसे, मतलब एक रैंडमली देखा गया है कि हम लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ विचार नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, पढ़ते नहीं, और फिर बस हमें पता होता है कि ये डिसीज है, ये टैबलेट है तो वो दी जाती है। हमेशा से मैंने देखा कि लोगों का रुझान मतलब इसी तरफ चलता है कि कोई डिसीज में किस टाइप की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो, बट उसमें जो भी ड्रग हम लोग यूज कर रहे हैं, कल्प जो भी यूज कर रहे हैं, उसको किस प्रकार से देखें और कौन से कल्पों का कहाँ पे उपयोग करना चाहिए, उसको लेकर भी कभी ना कभी हमारे पास लाइक हमारे दिमाग में कुछ प्लान होना जरूरी है मेरे विचार से। इसीलिए बीच बीच में हम लोगों को कल्प को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीएमएस के बारे में भी बताना चाहूंगी कि पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स क्या है। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जैसे मैंने बताया, लाइक ये एक प्रकार से द फीमेल और लाइक जो लड़कियां महिलाएं जो कि एक प्रकार के फिजिकल इमोशनल मेंटल इम्बैलेंसेस डिस्टर्बेंसेस को फील करती है राइट बिफोर और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसी को पीएमएस कहा गया है। इसमें क्या मुख्य रूप से लक्षण हो सकते हैं, मैं लक्षण बताऊंगी इसको, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेजेस होते हैं उसमें दोषों का विचार मैं बताऊंगी, और फिर हर साइकिल में किस प्रकार से औषधियों का सेवन किया जा सकता है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रकृति ऑफ दैट फीमेल। पीएमएस में आमतौर पर कभी कभार पित्त प्रकृति की महिलाओं में ज्यादातर हॉट फ्लैशेस है, या एपेटाइट चेंज होना, अग्निमान होना, मल की प्रवृत्ति में बदलाव आना, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, इरिटेशन होना, कुछ महिलाओं में नौजिया, वोमिटिंग और डायरिया जैसे भी लक्षण होते हैं, कुछ में पिंपल्स आते हैं। हम लोग बहुत बार लड़कियों के बारे में देखा जाता है कि पिंपल्स आते हैं तो बोलते हैं अभी तो मेंसेस आने वाले हैं, देन लाइक इस टाइप के कुछ कभी कभी मूड स्विंग्स है। मैंने देखा है, मेरा भी ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत बार लाइक महिलाओं में मेंसेस आने के पहले 3 4 दिन एक चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग होता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और वो एक मतलब ऑलरेडी वो मतलब डेट तो होती है, पता होता है, बट उसके पहले ही की कुछ चिंताएं होती है, और बाकी जो भी एक आउटबर्स्ट होता है इमोशनल, वो थोड़ा बढ़ जाता है, इमोशनल इरिटेबिलिटी है, छोटी छोटी बातों पे, जो मेनोपॉजल हमने देखा, प्री मेनोपॉज में जो भी लक्षण होते हैं उस टाइप के लक्षण थोड़े मिल जाते हैं, कभी कभार सर दर्द होता है, और कुछ विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं, डिमिनिश्ड लाइक लिबिडो होता है, फटीग होता है, थकान हो जाती है। अभी इसमें दोषों का विचार कैसे किया जाए, अगर वात टाइप का है यानी वात दोष की अधिकता के साथ प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स अगर होते हैं तो उसमें पेन अधिक रहेगा, एब्डोमिन डिस्टेंशन रहेगा, अदमान, अटोप, अनाफ, मलावष्टम्भ और थोड़ा डर लगना, एंड इंसोमिया, निद्रा कम आना और मूड खराब हो जाना और चिड़चिड़ापन। पित्त प्रधानता अगर होती है तो उसमें टेंडरनेस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस है, हॉट फ्लैशेस होंगे, इरिटेबिलिटी होती है, एंड कभी कभार हस्तपाह पाद में दाह, जलन ना, आंखों में जलन होगी। कफ टाइप का अगर है बताएंगे में लाइक ज्यादा आलस बढ़ जाएगा, नींद अधिक आ जाएगी, एंड लाइक नॉजिएटिक फीलिंग होगी, तो ये उसमें हम देख सकते हैं। तो इसको जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें जनरल रिकमेंडेशंस तो लाइक आप सभी जानते हैं कि हाउ टू लाइक जनरलाइज है, उसको कैसे देखा जाए। इसमें मैं ये बताऊंगी, रज काल यानी मेंस्ट्रुअल जो फेज है, इट इज डोमिनेटेड बाय वात दोष, देन प्रोलिफेरेटिव फेज यानी ओव्यूलेशन के साथ साथ ऋतुकाल को कहा गया है, ऋतुकाल यानी पोषण का काल जो कि कफ दोष के यार में चलता है, एंड ऋतु व्यतीत काल यानी ल्यूटियल फेज बोल
इट इज डोमिनेटेड बाय पित्त दोष। तो इस प्रकार से ये डोमिनेंस दोषों का रहता है। और लाइक रज काल में वात की रुधिरता होती है, और जैसे ही रजस्त्राव शुरू हो जाता है तो पित्त का शमन हो जाता है। और ऋतु काल में कफ की डोमिनेंस होती है, वहां पे मतलब पोषण की तरफ ध्यान दिया जाता है। इसलिए मैं जो सारी ट्रीटमेंट बताती हूँ लाइक ये ऋतु काल में ही बताती हूँ, क्योंकि ये कफ का काल होता है, इसमें वात का ऑलरेडी शमन हो जाता है। ऋतु व्यतीत काल में ल्यूटियल फेज में पित्त का डोमिनेंस होता है, और यहाँ पे कफ थोड़ा सा कम ही रह जाता है। तो इस प्रकार से ये दोषों का डोमिनेंस इस समय में रहता है। तो इसको मैनेज करने के लिए हर साइकिल में या हर इस फेज में किस प्रकार से विचार किया जाए, जैसे अगर वात टाइप का है पर्सन, लाइक महिला वात प्रकृति की है, तो उसको इस वात जनित पीएमएस सिम्टम्स के लिए वात का शमन करने वाले द्रव्यों का खान पान में विचार करना चाहिए। जैसे दशमूल अरिष्ट है, दशमूल अरिष्ट नहीं, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप हमेशा से मेडिसिन का यूज करें। आप कुछ नेचुरल हर्ब्स का भी यूज कर सकते हैं, लाइक हम दशमूल का चाय बना सकते हैं, दशमूल टी कैन बी प्रिफर्ड विथ लाइक एक कप पानी लिया हमने गरम, और उसमें आधा चम्मच दशमूल का चूर्ण डाल दिया और उस चाय बना ली, जिससे मैं हमेशा से बताती हूँ। तो ये आप दिन में दो बार ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप एलोवेरा का जो तो उसको भी आप मरीच ब्लैक पेपर डालकर उसको खा सकते हैं, और खाना खाने के पहले खाते हैं, तो वो आपके आत्मजनित पीएमएस के लिए बहुत अच्छा माना गया। इसके साथ शुंठी की चाय बना सकते हैं, शुंठी गुड़ खाया जा सकता है, जीरा लिया जा सकता है, जीरक अध्यारिष्ट या जीरक का भी फांट बनाकर पिया जा सकता है। पित्त डोमिनेंस अगर होता है तो इसमें आप दाढ़ी खान पान में भी रखें, और दाढ़ी माध्य घृत, दाढ़ी मावले हो या सुकुमार घृत जैसे कल्प है, और इसमें भी आपको एलोवेरा जेल चलेगा। बस इसमें आप जीरा पाउडर यूज कर सकते हैं पित्त शमन के लिए। इसमें गुलकंद खाया जा सकता है, जो कि सर दर्द, वोमिटिंग, सर्दी, रुल्लास और जो दाह जनित सिम्टम्स है उसके लिए भी काफी अच्छा काम करेगा। चंदनासो, उशीरासो जैसे कल्प आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। कफ टाइप का अगर ये पीएमएस होता है तो जिसमें आलस अधिक होता है, तो यहाँ पे उष्ण गुण वाले द्रव्य लाइक पिपली है, शुंठी है, वचा है, इसका ट्रेडिशनल जो भी सारे ये क्लासिकल रेफरेंसेस वाले मेडिसिन है, इसकी चाय, इसका चूर्ण, इसका काढ़ा, त्रिकटू, ये आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके मैंने मतलब दोषों के हिसाब से ऐसे कई सारे विकल्प कल्प हमारे पास है। जनरल रिकमेंडेशन में डेली जैसे पीएमएस लाइक नोजिया, वोमिटिंग या सरदर्द, मूड चेंजेस स्टार्ट हो गए 3-4 दिन पहले से, तो यू मस्ट स्टार्ट नस्या विथ प्योर गोघृता। डेली आप लाइक 4-4 बूंद ईच नोस्ट्रिल में डालिएगा, और बहुत अच्छे से इसके साथ आपका हार्मोन बैलेंस होगा। नेचुरल हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए नस्य बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ आपको लाइक कुछ ब्लोटिंग हो रही है या मलावष्टम्भ जैसी समस्या है, तो कैस्टर ऑयल यानी एरंड तेल का प्राशन या खान पान में उसका प्रयोग करना, उसकी सिकाई करना, क्योंकि ये क्या करता है ना, एक प्रकार से सूथिंग करता है, वात का अनुलमन करता है, वात के कारण ही पेन रहता है, तो ये पीएमएस के सिम्टम्स अल्टीमेटली कम कर देगा। अदमान अटुक जैसे कुछ लक्षण होते हैं, तो आप इसको गर्म पानी के साथ पी सकते हैं, या फिर लाइक आपने कुछ कपड़े के साथ एरन तेल को ले लिया और इसके साथ एब्डोमिन, थाइस, कटी, जहां पर भी आपको लगता है कि पेन है वहां पर आप ये कर सकते हैं। पीएमएस को प्रिवेंट कैसे करें एंड हाउ टू रिड्यूस द सिम्टम्स, तो इसमें आपके प्रकृति, आपके जो भी लक्षण होते हैं उसके विचार से आपको काम करना होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल मेंटेन करना, रेगुलराइज करना, एंड लाइक डेली थोड़ा सा तो भी आपको योगा, कुछ जो गोमुखासन और लाइक मयूरासन, धनुरासन, शवासन, योग निद्रा, ऐसे कुछ जो पवन मुक्तासन, जो खास करके अधो शरीर पर कार्य करने वाले जो आसन है उसका प्रयोग आपको करना है। इसके साथ साथ आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस यानी ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्राणायाम, मेडिटेशन और श्वास के जो भी सारे प्रकार है उसको आपको अपनाना चाहिए। आहार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जैसे जिस काल में आप है, आप मतलब सेक्रेटरी फेज में है, प्रोलिफेरेटिव फेज में है, या लाइक आपको मतलब तीनों जो दोषों की प्रधानता है, ऋतु व्यतीत काल, ऋतु काल या रज काल, उसमें आपको समझना चाहिए कि ये अभी जैसे अभी मेरे से चल रहा है तो वात का डोमिनेंस है, तो उसमें आपको वात का शमन करने वाले आहार विहार आपको खान पान में रखने चाहिए, लाइक रूखा, सूखा, बासी खान पान और कड़धान्य, स्प्राउट्स है, ऐसे जो आप सभी जानते कि वात का शमन करना चाहिए। फिर सेकेंड फेज में कफ प्रधानता रहती है,
तो वहां पे आपको फिर वात का डाइट लेना चाहिए, लाइक कफ को बढ़ाने वाला डाइट नहीं लेंगे। नेक्स्ट वाला जो फेज रहेगा वो पित्त प्रधान का रहेगी, तो उसमें आपको अम्ल और लाइक कटु रस का सेवन कम करना होगा। तो मधुर तिक्त कषाय वहां पे काम करेगा, रेस्ट स्लीप स्ट्रेस कम करना। स्ट्रेस कम कराने के लिए आप फिर शिरोपीचु करिएगा, पादाभ्यंग कर सकती है। हाइड्रेशन को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो भी वहां पर आपको करना होगा। तो इस प्रकार से जो भी आपके शरीर के लक्षण होते हैं उसके साथ आपको सभी प्रकार के जो भी बदलाव है वो सारे बदलाव, और उसके साथ जैसे दूध है, घृत है, ऐसे जो नेचुरल काम करने वाले द्रव्य है, इसके साथ जो भी आपको जहां पर भी जैसे यूजफुल लगता है, यष्टिमधु चूर्ण है, यष्टिमधु घृत कैन बी टेकन, गोक्षुर है, दाढ़ीम है, ब्राह्मी वटी। अगर नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, पेशेंट बहुत वात प्रकृति का है, तो उसमें ब्राह्मी वटी या फिर लाइक शीर्षपात अश्वगंधा का, जटामांसी का, गुरुची का, तो मतलब इमोशनल ब्रेकअप्स के साथ मैचअप करने के लिए इस प्रकार का आप वहां पर विचार कर सकते हैं। आसन के बारे में मैंने बताया आपको, नाड़ी शुद्धि, अनुलोमन विलोम, और ये शतावरी कुमारी पित्त बैलेंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कई सारे लाइक मेडिसिन हमारे पास है। पतरांगासो काफी अच्छा कार्य करता है, स्त्री विशेष रत्नावली में सारी स्त्री रोग अधिकार में बताए गए हैं, और बाद मार्केट में हर एक कंपनी के अलग अलग है। पतंजलि का भी पीएमएस सिरप मिल जाता है, पतंजलि के कई सारे आपके साथ पास प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, लाइक दिव्य पतरांगासो है, फिर लाइक नारी नारी सुधा सिरप करके भी आता है पतंजलि का है, तो ऐसे कई सारे हैं, और लाइक अशोकारिष्ट है, पतरांगासो है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ मैं कल्प बताना चाहूंगी, एक पहला कल्प मैं पढ़ाना चाहूंगी आपको, कन्या लोहादी। कन्या लोहादी वटी भी यूज की जाती है, बट थोड़ी सी अगर आप रज प्रवर्तिनी के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो कन्या लोहादी वटी का इफिशियंसी थोड़ा कम है। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, लाइक एलोवेरा, फिर इसमें कासिस भस्म है, दालचीनी है, इलायची है, और शुंती है, गुलकंद है, और इन सभी को मिलाकर ये बन जाती है। इसको कब देना है, कन्या लोहादी वटी कैन बी गिवन फॉर द लाइक जहां पे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को फ्लो को प्रमोट करना होता है, और मतलब माइल्डली ये काम करती है, थोड़ी माइल्ड टाइप की है। एंटीस्पॉज्मोटिक भी है, पीएमएस पे भी दिया जा सकता है, ये थोड़ी सी माइल्ड लैक्सेटिव है, और ये एक प्रकार की डाइजेस्टिव यानी कार्मिनेटिव भी काम करती है। तो जैसे डिसमेनोरिया, अमेनोरिया, अलुगोमेनोरिया और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, इन सभी कंडीशन में कन्या लोहादी वटी दी जाती है। इसके नाम में जैसे कन्या लोहादी है, तो इस प्रकार से इसमें कासिस वगैरह भस्म होते हैं तो पोषण का काम करता है, एलोवेरा है, इलायची है, और शुंठी है जो आम पाचन करती है, तो इसीलिए वो शूल प्रशमन काम करती है। गुलकंद है तो दाह का शमन, और पीएमएस सिम्टम्स को रिड्यूस कराने के लिए ये दिया, मतलब कम मतलब अच्छे से काम ये कर सकती है। तो इस प्रकार से आपको कन्या लोहादी वटी लाइक आप इसको 2 बीड़ी दिया जा सकता है आफ्टर फूड, बिफोर, लाइक आप कभी भी ले सकते हैं बिफोर फूड या आफ्टर फूड, दोनों भी बातें इसमें, इट इज सेफ एंड ऐसा कुछ इसमें ये नहीं। बस उसका इफेक्ट जो है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू रज प्रवर्तिनी वटी, ये थोड़ा सा माइल्ड टाइप की बताई गई है, एंड इट इज द बेस्ट वन फॉर डिसमेनोरिया, अमेनोरिया एंड अलुगोमेनोरिया, और स्कैंथीमेंसिस के लिए भी ये बेस्ट मानी गई है। अभी मैं इसके कंपैरिजन में आपको रज प्रवर्तिनी वटी के बारे में बताना चाहूंगी। रज प्रवर्तिनी वटी को लेकर हमेशा से रहता है कि नहीं, भेषज रत्नावली के, पार्ट किसी का तो माइक चालू है, भेषज रत्नावली के स्त्री रोगाधिकार में ही इसका वर्णन आया है आशिया जी। और लाइक कई सारी कंपनियां, डाबर बैद्यनाथ जैसे कंपनियां इसको बनाती है। इसमें भी लाइक कन्या यानी एलोवेरा को कन्या नाम दिया गया है, तो एलोवेरा है, कसीस है, टंकन है, और हिंगू है इसमें, और इस सभी को मिलाकर ये रज प्रवर्तिनी वटी बनती है। रज प्रवर्तिनी वटी एक प्रकार से बहुत ज्यादा मात्रा में 2 बीडी के डोज में मेंसेस को इंड्यूस कराने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी अमेनोरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज की जाती है, 1 to 2 tablets, एंड इट कैन बी टेकन फॉर 3 to 6 months। बट मेरे विचार से प्रैक्टिकली अगर हम लोग विचार करेंगे तो ये बैलेंस तो वात एंड पित्त दोनों को करती है, तो 15 साल की उम्र के पहले, मैं तो कहूंगी 18 साल की उम्र के पहले अगर कोई लड़की में इरेगुलर मेंसेस है तो वहां पे रज प्रवर्तिनी वटी को हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे,
कई बार ऐसे देखा गया है कि रजप्रवर्तिनी बट्टू को इंड्यूस कराने के लिए लेते हैं, फिर ब्लीडिंग ज्यादा होती है। ब्लीडिंग ज्यादा होती है वैसे तो क्या है ना कि आपको मेंसेस के पहले उसको देना है, लेकिन आपने अमेनोरिया है तो आपने स्टार्ट कर दिया मेडिसिन, रजप्रवर्तिनी बट्टू स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही मेंसेस का फर्स्ट डे आता है, मेंसेस इंड्यूस हो जाते हैं, आपको तुरंत इसको बंद करना है। इसको आप कंटिन्यू दे सकते हैं इफ लाइक देर इज अ रिकमेंडेशन, इफ देर इज अ लाइक मेडिकल वहां पे जरूरत है कि नहीं भाई इसका एंटी मेंसेस है और आपको मेंसेस का फ्लो को बढ़ाना है, खुलकर मेंसेस आना है, तो वहां पे आप दे सकते हैं। बट तो फिर क्या होता है ना कई कुछ केसेस में कि बहुत ज्यादा फ्लो बढ़ जाता है, अधिक ज्यादा मेंसेस लाइक मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है तो भी दिक्कत हो सकती है, तो वो ना हो। अगर वो आपको लगता है वो हो रहा है तो तुरंत उसको बंद कर दीजिएगा, एंड वी कैन गो विथ लाइक अशोक अशोकारिष्ट पत्रांगासो, हम लोग वहां पे दे सकते हैं तो तुरंत आपके फ्लो को बंद कराने के लिए। बट मेरे विचार से मेंसेस खुलकर आने के लिए बस्ती या बाकी सारे चिकित्सा के प्लान भी हमारे पास विकल्प होते हैं, एंड सो हम लोग इसको लड़कियों में ज्यादा रिकमेंड ना करें, ये बेटर रहेगा। एंड भले ही थोड़ा सा इसका मतलब लाइक जैसे मैंने बोला कि कन्या लोहानिधि वटी की तुलना से रजप्रवर्तिनी वटी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग है ना, बट इसका एक जैसे साइड इफेक्ट मैंने अभी बताया, इसके साथ साथ उसका कम यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, और इसीलिए आपको लाइक जैसे जरूरत पड़ती है मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो बंद कर दीजिएगा, और आपको खुलकर आना है तो दे थोड़ा सा दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इसका उपयोग आपको नहीं करना है। एंड इस प्रकार से मतलब उसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में साथ इसको दीजिएगा, केवल खाली रजप्रवर्तिनी वटी मत चलाइएगा, इसमें आप लाइक कुमारी असो है या कुलत्थादि कषाय है, सुकुमार कषाय है, तो ऐसे मतलब कांचना कुछ कॉम्बिनेशन, वरुण आदि कषाय है, नित्यानंद रस है, या स्त्री पोषक वटी है, कुछ भी M2 टोन वगैरह जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, इसके साथ अलोंग विथ आपको यही देना है। मेरा इसको पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आप इसको कुछ किसी दूसरे मेडिसिन के साथ दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहता है। वैसे इसमें साइड इफेक्ट्स तो यही है कि इसके साथ कभी कभार ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, और कुछ ये भी कुछ लोगों से कुछ पेशेंट्स ये भी बताते हैं कि इसके साथ स्रोतसों में एक प्रकार का रूखापन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, एंड इसीलिए इसको हम लोग ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। कुछ मैंने यहाँ तक सुना था कि इसको एबॉर्शन इंड्यूस कराने के लिए भी दिया जाता है, बट ये टोटली रॉन्ग है। हम लोग ऐसे कई जो भी लाइक ऐसे कल्प होते हैं ना जो मेंसेस लाने के लिए यूज करते हैं, लाइक अमेनोरिया में कुछ पेशेंट्स उसको मतलब प्रेगनेंसी होती है तो उसको लाइक इंड्यूस एबॉर्शन के लिए यूज करते हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत है, तो इसीलिए इसको अवॉइड करें तो ये ज्यादा बेटर रहता है। एंड इस प्रकार से रजप्रवर्तिनी वटी का सेफली आप यूज कर सकते हैं, तो जो हम अमेनोरिया में पीएमएस के लिए भी आप इसको दे सकते हैं। पीएमएस में कैसे देंगे, लाइक लो स्कैंटी मेंसेस है, पेशेंट लीन पीसीओडी की है, और उसके मेंसेस लाइक प्री मेंसेस के साथ ही पेन है, कुछ समस्या है, जैसे मैंने सारे लक्षण आपको बता दिए थे, वो सारे लक्षण है तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिर लड़कियों में लाइक पीसीओएस के साथ अगर है एंड फेशियल हेयर है तो वहां पे आपको रजप्रवर्तिनी वटी अच्छी काम करेगी, पीसीओएस के साथ अगर है तो वहां पे उसको दीजिएगा, बट ऐसे ही मेंसेस को इंड्यूस कराने के लिए रजप्रवर्तिनी का उपयोग कम करेंगे। हमारे पास बाकी सारे विकल्प होते हैं, उसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है, ये मेरा विचार है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों कल्प एज कंपेरेटिव यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। तो इस प्रकार से प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के लिए जैसे मैंने सारा बताया कि उस काल में जो जो दोषों का प्रभाव रहता है, उस दोषों के प्रभाव काल के विचार से ही आपको घृत का सेवन या बाकी सारी बातों का सेवन करना जरूरी बन जाता है। तो दो कल्प आज हमारे डिस्कशन के लिए है, आप भी इसमें अपना विचार प्रकट करिएगा कि आपको क्या लगता है, बताइए। मैम नमस्कार सभी को, और बाकी तो हमने पिछले कुछ सत्रों में भी पढ़ा है कि पीएमएस के लिए तो लाइक आप मेंसेस के डेट के पहले 7 डेज अगर मात्रा बस्ती सहचर तेल की, क्षीरबला तेल की, दशमूल तेल की दे देते हैं तो भी कष्टार्तों के लिए बहुत अच्छा काम होता है, और बाकी सारे विकल्प तो हमारे पास है, मतलब मेडिसिन तो बहुत सारे हैं। यस मैम बताइए। नीलम जी नमस्कार, अलका जी, आरती जी,
डॉक्टर माधुरी। मैम ब्रज, गुड इवनिंग मैम। बोलिए बोलिए। मैम ब्रज प्रवर्तनी किसकी बेटर है मैम, पोटेंसी किसकी अच्छी है मैम? बिकॉज जो हमारे पास आती है ना, दैट डजंट वर्क। आप कौन सी यूज करते हैं? मैम हमारे पास तो एक्चुअली गवर्नमेंट सप्लाई में आती है, मुल्तानी वालों की आती है शायद। अच्छा, ओके। बट उसका इफेक्ट आता नहीं है मैम, मेनी अ टाइम्स आई हैव गिवन। आई थिंक डाबर की या बैद्यनाथ की यूज करिए फिर। धूपा पेश्वर की भी अवेलेबल है मैम ये? डाबर की और बैद्यनाथ की तो है, दूध पापेश्वर की भी होगी। ओके मैम, मैं ट्राई करती हूँ मैम। और इसको हाँ। कैसे, मतलब मैम अगर किसी को जैसे विड्रॉल के लिए हम देते हैं तो कब यूज करना चाहिए? विड्रॉल के लिए यानी कैसे, मतलब बताइए मैम जैसे कई बार प्रोलॉन्ग्ड एमनोरिया होता है तो उसमें भी यूज करते हैं इसको, तो उसमें कैसे यूज करें मैम फिर? प्रोलॉन्ग्ड अमेनोरिया में? हाँ जी। अच्छा तो ठीक है ना, इसमें भी आप इंड्यूस कराने के लिए देना चाहती तो दे सकती है, बट लाइक मैंने जैसे बताया ना, टू बीड़ी देना है आपको, आप कुमारी असो के साथ, दशमुलारिष्ट के साथ, या कोई भी लाइक अदर कल्प के साथ इसका उपयोग करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। मैम हमारे यहाँ एक हमारे मेरे साथ जो कुलीग है ना, वो इसको जैसे नॉर्मल हम जैसे मालाइन यूज करते हैं, शी यूजेस लाइक दैट इट फॉर 21 डेज। हाँ मैंने वही बताया ना कि कुछ लोग यूज करते हैं इसको लाइक रेगुलर करने के लिए मैम, जैसे हम पीसीएस वगैरह में यूज करते हैं, शी यूजेस दैट। यस, उसमें पीसीओएस में इसका रोल है, पीसीओडी में अच्छा है ये, इसीलिए पीसीओएस में यूज करिए आप इसको। तो वो पीरियड्स के कितने दिन बाद स्टार्ट कर देना चाहिए मैम, पीरियड्स साइकिल के ऑनसेट के बाद? साइकिल ऑनसेट के बाद लाइक आप, मुझे लगता है डेट के 15 दिन पहले आप इसको स्टार्ट करिएगा। नहीं ड्यूरिंग डेट्स ना यूज करें ना मैम इसको? नहीं ना, नहीं करे, नहीं करिएगा। मैं वही पूछना चाह रही हूँ मैम, नहीं आफ्टर नहीं डेट ड्यूरिंग थर्ड डेट्स आप फोर्थ में मत हम स्टार्ट करिएगा। कर दें इसको? देखिए आपका डेट हो जाने के बाद 8वें 9वें दिन से स्टार्ट करिएगा, बिकॉज ओके ना इसके साथ ये जैसे मैंने बताया कि समटाइम्स इट मे हैव हेवी ब्लीडिंग, फिर आपको हेवी ब्लीडिंग को स्टॉप कराने के लिए दवा देनी पड़ेगी, तो वो क्यों करना ना सारा इतना। बेटर वे हम लोग इसको जैसे देखिए इसका उद्देश्य साफ है, टू इंड्यूस द मेंसेस, और खास करके जहां पर इरेगुलरिटी है, लो मेंसेस है और पीसीओएस रिलेटेड मेंस्ट्रुएशन डिस्टरबेंसेस है, हिर्सुटिज्म है, वहां पर रजत प्रवर्तिनी बटी काफी अच्छी काम करती फाइन। है, तो ड्यूरिंग मेंसेस मत यूज करिएगा आप, 8वें दिन से लाइक मेंसेस आने तक यूज कर सकते हैं इसको। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, एंड कन्या लोहादी बटी के बारे में बताइए आप सभी की, मतलब आपने कभी कैसे यूज किया है इसको, एनी मैम यूज एक्सपीरियंसेस? नहीं किया, आज ही आपसे पढ़ा है मैम। कन्या लोहादी वटी नहीं पता आपको? नहीं पता अच्छा मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कई कितने सारे कल्प है आयुर्वेद में, तो मैम सारे तो नहीं एक्चुअली पता। ये महाराष्ट्र में ज्यादा फेमस है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। एक बार अरुण सर ने भी बताई थी कि यस उन्होंने भी रिकमेंड करी थी, तो अब धीरे धीरे आप लोग बता रहे हैं तो हम लोग भी कहीं से इसे सोर्स करेंगे। ये किस कंपनी की आएगी मैम, कन्या कन्या लोहादी वटी? लोहादी वटी सर आपको लाइक मिल जाएगा, मैं बताती हूँ कंपनी का नाम ना। और किसी दूसरे ने यूज किया है इसको, दूसरा किसी का एक्सपीरियंस है इसके साथ, किसी ने यूज नहीं किया? आरती जी आपने? सर धन्वंतरी कंपनी की आती है। धन्वंतरी की आती है सर, पुनर्वसु कंपनी की आती है। आवाज आ रही है? पुनर्वसु, यस मैम, आवाज आ रही है। धन्वंतरी कंपनी की, या फिर प्राचीन आयुर्वेद, कई सारी कंपनियां इसको बनाती है, एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। कन्या लोहादी वटी अच्छी है ये भी दवा, मेडिसिन थोड़ी सी माइल्ड है, बट आई थिंक मैम इट्स बेटर टू बैद्यनाथ की यूज। बहुत अच्छी है। गुड जी मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम। इवनिंग, बोलिए बोलिए। वैद्यनाथ की बहुत अच्छी है, मैंने यूज किया है इसकी। कन्या लोहादी वटी कृष्ण गोपाल फार्मेसी की भी आती है, वो भी बहुत अच्छी है यस 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 वैद्यनाथ की। कन्या लोहादी वटी आती है, ये तो देखना पड़ेगा। मैम वैद्यनाथ की कन्या लोहादी वटी नहीं मैंने यूज की, रजय प्रवर्तनी बोल रही हूँ।
हाँ, रजतरो की भी तो अच्छा बैद्यनाथ की आती है, डाबर हाँ की भी उसका तो आती है, उन्होंने बताया था। कन्या हाँ वो उसका लोहादी तो पुनर्वसु। बहुत अच्छा रिजल्ट है। कन्या लोहाधिवती कृष्ण गोपाल की भी आती है, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, अच्छी है वो अच्छा मेडिसिन अच्छा मैम। आप ये किस रजे कैसे प्रवर्तनी का कैसे यूज करती है मैम? मैम, ये रजे प्रवर्तनी वटी दोनों बताइए दोनों बताइए आप कैसे यूज करती है। मैम। कन्या लोहाधिवती इतना ज्यादा नहीं मैं यूज करती, रजे प्रवर्तनी ज्यादा यूज करती हूँ, जैसे पीसीओएस के केसेस में सबसे ज्यादा यूज करती हूँ इसको मैम। पीसीओएस यस, पीसीओएस में तो बेस्ट है, जब प्रवर्तनी में बेस्ट तो है। इसका यस बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। नॉर्मली पेशेंट जब मेडिसिन शुरू करता है, जिनको एमेनोरिया रहता है, सेकेंडरी एमेनोरिया रहता है, तो उसमें बहुत जल्दी इसमें असर आ जाता है मैम। तीसरे चौथे दिन ही मैम उनको पीरियड्स हो जाते हैं इससे। मैम आप कॉम्बिनेशन में और क्या देती हैं? सर मतलब प्रॉब्लम के अनुसार है, जैसे पेशेंट पीसीओएस को में क्या जैसे इश्यू। पीसीओएस में ही मतलब प्रॉब्लम के अनुसार है ना, कि जैसे अभी एक पेशेंट चल रहा है, उस पीसीओएस के साथ मसल स्पाज़म है पूरे बैक में, तो ओके उसका साथ में ये गाइनी के ट्रीटमेंट से भी ज्यादा मेरे को उसका वात अनुलोमन का ज्यादा है, तो मैंने उसको एरंड तेल में हरित की चूर्ण डाल के उसको दिया हुआ है साथ में, तो उससे उसको ओके बहुत अच्छा रिजल्ट है। अजमोदा आदि चूर्ण दे रही हूँ साथ में, दीपन पाचन पर वो डेली यूज पे दे रही हूँ, स्वर्ण मालिनी बसंत दे रही हूँ, है उसको पीसीओएस पर दे यही रही हूँ, बट उसको उस चीज से फर्क है, मतलब सिम्टम के अनुसार। ओके अच्छा मैम ये जो हृदय प्रवर्तनी है, क्या ये हम रेगुलर यूज कर सकते हैं? मेरा पहला जो पहले आपने बताया ना, वो मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था नेट। मैम, रजे प्रवर्तिनी वटी तो यूज करते हैं, बट लड़कियों में इसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करना है। बट लड़कियों में लाइक सो मतलब एक 18 इयर्स के बाद अगर पीसीओडी एंड हिर्सुटिज्म है तो रजे प्रवर्तिनी वटी अच्छी रिजल्ट देती है। मैम जैसे 3 to 6 months हम पीरियड्स में बंद करके बाकी टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं, दे जैसे सकते, यस दे स्कैंटिनेंसिस सकते, में। यस थोड़ा सा इसमें ना लाइक बाकी हेल्थ कंडीशंस एंड जनरल थोड़ा सा भी ध्यान रख के देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है ना, इसका कट बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो कभी कभार ब्लीडिंग ज्यादा होती है, दूसरा तो कुछ नहीं इसमें। मैम अनुपान क्या इसमें सर बेस्ट रहेगा, जैसे ब्लीडिंग लाने के लिए अनुपान पानी के का? साथ ही दिया जाता है इसको, मैम इसमें ये जो रहता है या फिर एलोवेरा हाँ, जूस। हाँ बोलिए। गुड़ गुड़ और जो काले तिल रहते हैं वो भी इसमें हाँ बहुत अच्छा काम करते हैं हाँ वो वो तो, तो मतलब हम लोग लो मेंसेस में दे सकते हैं ना, गुड़ और काला तिल वगैरह। जी सर जी हम्म, सर। एक और मैम फिर पतरांगासव का बहुत अच्छा आपने बताया, वो हाँ भी बहुत यूज किया मैंने, मेरा बहुत ही अच्छा उससे पतरंगासव यूज रहता है। को, हाँ मैंने ऑलरेडी हमारे पास यूट्यूब पर है, मैंने और इसको डिटेल में पढ़ाया है पतरंगासव, आप जरूर देखिएगा। अशोकारिष्ट तो पढ़ाया है, मतलब डिटेल में वही कल्प पढ़ाया था मैंने कुछ साल, जी कुछ मैम पहले पहले सेशंस में। जी मैम मैम वो कन्या शेयर करते लो, हैं अगर होगा लिंक, उसका बहुत अच्छा हाँ उसका भी रिजल्ट है। मैंने DUB के पेशेंट में पतरांगा से बहुत अच्छा इसका रिजल्ट यस देखा है, यस हाँ बाकी तो नहीं इतना यूज किया, बट DUB में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, मतलब कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, इससे पड़ जाता है। यस। और जैसे आप बोल रही थी ना, आई थिंक नीलम जी आप जैसे पूछ रही थी ना कुछ ऐसे विड्रॉवल या लाइक इसके लिए, तो अगर आपको ऐसे इसमें इंड्यूस कराने के लिए देना है तो आप लाइक लास्ट जो फेज होता है ना, पित्त पित्त जनित ऋतु व्यतीत काल जो हाँ जी हाँ न्यूटियल जी फेज है उसमें, यानी लाइक मतलब आप क्या कहेंगे, करीब करीब फोर्थ वीक ऑफ दैट मतलब महीने का जो चौथा उसका सप्ताह होगा ना, लास्ट वीक है राइट लास्ट मैम। वीक में आपको देना है, एंड एज सून एज द मेंसेस स्टार्ट्स यू हैव टू स्टॉप इट। फाइनल या मैम कन्या तो कन्या लोहादीवटी के साथ क्या कॉम्बिनेशन में देना चाहिए, जैसे आपने इसका बताया है हाँ, पतरांगासव तो कन्या अशोकारिष्ट? लोहादी वटी हम सिंगल दे सकते हैं बिकॉज इट इज लाइक माइल्ड है। कन्या लोहादी वटी का ओके कोई ऐसे मतलब स्ट्रांग इमीडिएट कोई ऐसे सुनने में नहीं आया, कुछ अनुभव ऐसे नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको अकेले भी दे सकते हैं। और वैसे भी हम कुछ ऐसे मेडिसिन आयुर्वेद कोई एक सिंगल दवा चलाते नहीं, कुछ ना कुछ साथ में चलता है। समटाइम्स हम लोग दशमलव यूज करते हैं, कोई दूसरा पुनर्नवा मंडूर चलता है, कुछ ना कुछ साथ में होता ही है। बिकॉज कन्या लोहादी वटी ऑलरेडी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डिसमेनोरिया में, तो वहां पे कुछ ना कुछ साथ में होता ही है ना अल्टीमेटली। मैम एक ये कारपास अरिष्ट जो कारपास होता है, इसमें बहुत अच्छा होता है, ये किसी कंपनी का मिलता है क्या कार्पास आरिष्ट ना, जी मैम? या कोई भी कारपास की स्पेशली कोई फॉर्मुलेशन, जैसे गाजर के बीज जो होते हैं
वो इसमें बहुत अच्छे काम करते हैं। यस तो यस, ऐसे वो है ना कारपास का कुछ रेफरेंस, मिलता है ये मैम? कर्पस का कारपास तो, मुला सौ, कर्पस मुला सौ, हाँ कर्पस मुला सौ है ना, ये तो क्लासिकल बिल्कुल मैम रेफरेंस है। मैम। ये यस किसी मैम, कंपनी का मिलता है या खुद बनाना पड़ता है? आई थिंक है ये कंपनी का। जी मैम, कभी मैम मिला नहीं हमें एक्चुअली, इसीलिए मैंने पूछा, नहीं क्योंकि मिला क्या? हमें हमेशा इसका क्वाथ बनाकर ही पेशेंट को देना पड़ता है। अच्छा, आपके पास मिल जाता है नीलम जी ये? यस मैम। आपके पास मिल जाता है कार्पास मुलासो? नहीं मिला मैम, एक बार मिला है पेशेंट को मैम, उसके बाद नहीं मिला। एक दो ही पेशेंट को मिला है उस पंसारी के पास, उसके बाद नहीं मिला मैम वो। अच्छा, मेरे यहाँ भी लेकिन यही मैम एक प्रॉब्लम है, कुछ एक कुछ बार तो मिल गया था अर्कशाला मैम। में मेरे है ना। को अर्कशाला का है ये, सातारा का आता है, हमारे महाराष्ट्र का ही ये कर्पास मुलासो। सातारा की रसशाला बहुत प्रसिद्ध है, अच्छी है बहुत हमारे मैम एक बार महाराष्ट्र फिर से की, रिपीट कर दीजिए कंपनी का नाम। आयुर्वेदीय रस अर्कशाला आयुर्वेदिक सातारा। अच्छा हाँ सातारा की कंपनी है ये, आयुर्वेद सातारा। रसशाला भैया, आयुर्वेद रसशाला सातारा ऐसे बोले तो भी चलेगा। मैम कुछ मेडिसिन्स जो आपके यहाँ मिलती है ना, वो हमें यहाँ नहीं मिल पाती है, वो अरेंज करवानी पड़ती है, फिर वो उसमें है टाइम बस। लग जाता है कई बार मैम। यस 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 यस, आई अंडरस्टैंड। इसमें भी लाइक दशमूल चवक वगैरह सारा है हाँ जी, इंग्रेडिएंट्स, और वो ब्रह्मचैतन्य का भी आता कापस मूल तक बोला था ना मैम आपने, वो भी मेरे को दो पेशेंट्स ने तो अरेंज कर लिया मैम, जैसे तैसे, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे गॉट, है। उसके या बाद वो मिला ही आजकल नहीं ना मैम दोबारा। एक्चुअली ना ऑनलाइन अच्छे अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब हम अगर सर्च करते हैं ना तो इंडिया मार्ट करके, वहां पे सारे कंपनीज के आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा अमेज़न वगैरह जो ऐसे है ना, उसपे भी मिल जाता है कई सारा मार्केट मार्केटिंग नहीं के तो अवेल वो। तो करवा देते हैं मैम, यहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट जो है ना, एक दो वो करवा देते हैं, अवेल करवा देते हैं मैम, बट उनको टाइम लग जाता है, और फिर वो मैम जो एक का क्वांटिटी एक और मंगवाते बहुत हैं ना, वो अच्छा हमारे ऊपर फिर सोल्यूशन है, प्रेशराइज रखते हैं अगर कि इसको आपको नहीं मिलता निकालो। ना मैम, जो आपके वहां मिलता है जहां भी आप प्रैक्टिस करते हो, जो मिलता है आप उसमें से ही ढूंढो ना। जैसे अभी गाजर रहती है ना, गाजर उसके जो बीज रहते हैं वो बहुत अच्छा इसमें काम करता है, तो अगर आपको बीज नहीं मिलता, आप सिंपल जो वो गाजर गर्भ का, निरोधक के इसमें भी है ना, गाजर का जो है वो गर्भ तो निरोधक मिल के। हाँ गाजर का बीज तो मैम इजीली मिल जाता है, ये सब तो मिल अगर जाता है बीज मैम। आपको बीज नहीं मिलता, आप सिंपल गाजर लीजिए, उसका जूस पेशेंट को बोलिए बनाइए, उसमें आंवला डालिए और थोड़ा सा, मतलब आप पित्त शमन, पित्त रेचक और साथ में पंचकोल डाल दीजिए, मतलब हमें तीक्ष्ण मसाले, मतलब आप इस ऐसे कॉम्बिनेशन बनाइए कि उसके त्रिदोष शांत हो, उसको पेन भी ना हो, उसके पीरियड्स भी आए, तो ऐसा करके थोड़ा सा हम कर सकते हैं शायद शायद। एक जैसे आपने मुझे लगता है ना पिछले सत्र में पूछा था, तो मैं बता दूं आज थोड़ा सा मेरे पास वो एक फॉर्मुलेशन का ये है तो नोट है, तो वो मैं बता दूं आपको। आप उस दिन पूछ रहे थे ना कि गर्भरोधन के लिए क्या मतलब दे सकते हैं, वही पूछ रहे थे ना आप लोग गर्भरोध के लिए कुछ। नीलम जी आरती जी कुछ पूछ रहे थे ऐसे ही आप ना? यस मैम, पूछा था मैम उस दिन आपसे। हाँ थोड़ा सा वो मैं बता दूं, और किसी का केस है तो बताइए। दिलकश जी, रंजीत जी कुछ केस है तो बताइए। मैम अगर स्टीम बर्न हो जाए तो उसमें लोकल एप्लीकेशन के लिए क्या कर सकते हैं आयुर्वेद में, अगर स्टीम बर्न हो जाए कहीं स्किन पे, मतलब फायर से नहीं स्टीम से? दात्यादि घृत, दात्यादि तेल, दशांगले, त्रिफला, हरिद्रा और गंधक मलहर, लेप कल्पना के जो भी है ना, गंधक ध्रुति कैन बी अप्लाइड। और आपके पास बाकी किसी के पास कोई हो तो बताइए ऑप्शन। बर्न्स के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, बोलिए मैम। बर्न्स मतलब फायर से नहीं है, स्टीम से है हाँ हाँ मैम। ध्यान में आ गया, पंचफुन तेल भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, उसमें एष्टि गंदा मधुघृत भी लगाया होता जा सकता है, है। एष्टि आरती मैम आपने क्या मधुघृत बोला था, लगाने एक बार रिपीट कर दीजिए आरती मैम। से। पंचगुड़ पंचफुन तेल, तेल अच्छा और अच्छा जात्यादि घृत जो मैम ने बताया, वो तो इतना अच्छा काम करता है, वो तो मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, घर में ही अगर यस, खाना मेरे बनाते हो पास भी कहीं बहुत कभी कुछ क्रॉनिक हो केसेस जाए आते तो हैं ना तो कई बहुत बार अच्छा। में लगाने में
4 आवर्स में ही वो नॉर्मल हो जाता है। मैम जातेदी तेल की जगह जातेदी घृत भी चल जाएगा ना? चलता है, दोनों चलते हैं। घृत ज्यादा सॉफ्ट रहेगा सर, घृत से ना बर्निंग जल्दी कम होती है, तेल के जगह पे घृत ज्यादा मॉइस्ट कर देता है ना जख्मों को, ओके तो इसलिए वो भरकर जल्दी आ जाता है। मैम, एक केस पूछना था। पूछिए। लिवर सिरोसिस आवाज नहीं आ रही आपकी, जी कट रही के आवाज। है। हेलो, अच्छी नहीं आ रही आपकी। हाँ अभी बोलिए क्लियरली। आवाज? हेलो, आ रही है लेकिन शायद मैम बात कर रही है। अच्छा आरती मैम आ रही है लेकिन शायद शिव मैम कहीं बात कर रही है। मैम मैम कंटिन्यू करिए, लिवर, कंटिन्यू करिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी मैम, लिवर सिरोसिस के पेशेंट है और उनका एचसीसी समझिए क्योंकि इनका सारे रिपोर्ट्स एचसीसी को ही मतलब इंडिकेट कर रहे हैं, बट मैंने एमआरआई नहीं कराया कि ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, पर उसमें हम डाइट में क्या उनको रिकमेंड कर सकते हैं खाने को? हम बाकी रिपीट लोग भी कीजिए पूछ क्या रहे इसमें बोले क्या? आप, एससीजी क्या? एचसीसी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को जितने भी सिम्टम्स है सारे एचसीसी की इंडिकेशन है। एएफपी वैल्यू भी बहुत हाई है और ये लिवर फंक्शन टेस्ट में भी काफी ज्यादा हाई रेस है, तो हम मतलब डाइट में उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, डाइट में हम क्या बता सकते हैं उनको मैम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग? क्या बोला आपने, हिपेटो? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, अच्छा ओके मतलब लीवर कैंसर ओवरऑल है ना। हाँ जी मैम, जो यूएसजी में तो सिरोसिस ही आया बट उसकी जितनी भी इंडिकेशंस है सारी कैंसर की है ही है। कैंसर के मार्कर्स वगैरह टेस्ट करवाए? मार्कर्स मैम हाईली रेस्ट है। अच्छा, तो मतलब क्या लक्षण क्या है पेशेंट को, इनडाइजेशन क्या क्या है? पेशेंट को ऐसे कोई लक्षण नहीं है, बस ये कि पेशेंट की एज 72 है और थोड़े दांत की इश्यू है, दांत इतने ज्यादा अच्छे नहीं है और कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको, और लोअर जो एब्डोमेन राइट साइड पे जो उनको पेन बना रहता है, कुछ पेन जो रेडिएटिंग पेन शोल्डर में भी इनको राइट साइड पे ही हो रहा है, और कुछ ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। भूख अच्छी लग रही है, वॉमिट सेंसेशन नहीं है, बस थोड़ा उनका डाइट का नहीं पता लग रहा था कि मतलब कैसे उनको ना उनको। थोड़ा सा कीटो डाइट देना पड़ेगा, लाइक कार्बोहाइड्रेट मतलब कीटोजेनिक डाइट देना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, एक देखिए इसमें तो यूज कल्पना यूज किया जा सकता है, मूंग दाल का, मसूर दाल का भी चलेगा। एंड लाइक फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट में अगर पेशेंट को डाइजेस्ट होता है, अच्छा लगता होगा, तो हम लोग गेहूं, ओट्स, वैसे ईद का भी लाइक गेहूं का आप उसको लाइक हलवा के जैसे बनाकर या उसका दलिया वगैरह भी निकाल कर हम लोग बना देते हैं, उसका उसका सेमोलिना जैसे कुछ ये भी बनाते थे, मतलब तीखा या लाइक पतला वाला मीठा वाला सेमोलिना, शीरा बोलते हैं हम लोग उसको मराठी में। ओट्स चल सकता है सिमी सेमोलिना। ना, सिमोलिना मतलब सिमी, सिमी। यस, आप इसमें ना स्किनलेस कुछ लाइक अगर पेशेंट को नॉन वेजिटेरियन चलता होगा तो मैम प्रोटीन तो प्योरली उसमें। वेजिटेरियन है पेशेंट, लो फैट दीजिएगा नशा मतलब। नहीं कुछ नहीं, मतलब प्योरली वेजिटेरियन है, कोई उनको एडिक्शन भी नहीं किसी चीज का। अच्छा ठीक है, और लो फैट वाला मिल्क चल सकता है, दूध पतला वाला दूध थोड़ा सा लाइक दिया जा सकता है। बस मुझे लगता है फुल फैट पेस्ट्रीज और लाइक कुछ केक, वो तो अभी मुझे लगता है एज के हिसाब से तो कुछ खाते नहीं होंगे तो वो भी रहेगा ठीक, ये तो अवॉइड ही करते होंगे आप। लाजामंड में बताऊंगी, रिकमेंड करूंगी आपको, हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा उसका उपयोग करते हैं। लाजामंड यानी मैम जो वो कैसे बनता है? राइस फ्लेक्स जो होते हैं ना, मुरमुरे बोलते हैं राइस फ्लेक्स, जो मुरमुरा तो मैम पता है। हाँ, तो उसका जो ये अलग होता है ना आपको मिल जाता है, इनको पता है शायद, नीलम जी को, बोली नीलम जी क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे उसको, मैम मैम हम हम तो ये दिवाली वो में पूजा में यूज करते हैं जो खील, खील खील, बोलते हैं मैम हम। यस यस, तो खील और मुरमुरा दिवाली, दोनों होते हैं हाँ खील एक बोलते हैं, उसमें दो तरह की होती है, एक प्लेन में आती है सर और एक वैसे आती है, इसपे दोनों ही थोड़ी यूजफुल है स्लाइस मैम वो। जो पूजा में यूज करते हैं। पूजा यस वाले यस अच्छे हैं, यस, पूजा हाँ वाले हाँ अच्छे हैं, पूजा वाले बिल्कुल लड्डू वही, होते ठीक हैं है मैम, बस। ठीक मीठे है भी होते हैं और वो फीके भी आते हैं।
यस उसको होते कैसे हैं, यूज करना है मैम लाजामंड बनाने उसको के लिए? ना भून करना, उसका पाउडर बनाकर उसको पानी में और दूध में जैसे भी आपकी पसंद हो उसमें पकाकर, आप इसमें फिर नमक डालिएगा, लाइक आपने 1 कप ले लिया पानी, उसको थोड़ा सा उबाल दिया 1 चम्मच, जैसे हम बच्चे के लिए खाना बनाते हैं ना, उसमें आपने जी 1 चमचा मैम, पाउडर डाल दिया, फिर थोड़ा नमक जीरा पाउडर जो भी आपको डालना होगा, अगर तीखा बना रही है, आप मीठा बना रही है तो नमक बाकी सब कुछ हटाकर आप इसमें 1/2 चमचा शुगर डाल सकती है, और गुड़ भी डाला जा सकता है, तो ये बहुत अच्छे से, ये संतर्पण है, रस धातु का भी पोषण करता है, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन अग्नि। इसी प्रकार से इसको आप एज सच भी तो कंज्यूम कर सकते हैं ना मैम? यस हाँ, यस यस बुद्धिवर्धक जो मेरे लाजामंड हिसाब से है। सिंपल जैसे रखा बहुत अगर अच्छा है। अगर पेशेंट को कभी कभी कफ रहता है, तो जैसे बनता तो ये चावल का ही है, पार्श टाइप ही रहता है, तो ये तब भी दे सकते हैं ना इसको? इसीलिए मैम ये भून, जब इसको भून लेते हैं ना तो इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड ये इन फर्स्ट भुनने के बाद ही बनता है ना मैम? वैसे भी ये प्रोसेस, भुनने के बाद वैसे ही भी बनता भूनकर है, ही बनता है, और आप ये फिर से भुनकर इसको ही भून बनता है रही मैम। है तो ये लघु बन जाता है, एंड सारे श्वास कैसवादी में ये हितकर आहार के नाम से बोला गया है, इवन दो राजयक्ष्मा में भी पेशेंट की अग्नि के लिए बहुत अच्छा माना है, सो यस मैम। इट्स हाईली रिकमेंडेड मैम इसकी बहुत। कितनी क्वांटिटी हम रिकमेंड कर सकते हैं? जैसे पेशेंट को, मतलब जैसे पेशेंट फ्री है अभी, रिटायर है, कुछ करते नहीं है, तो उनको बस हमेशा यही रहता है कि कुछ चटपटा, कुछ मजेदार खाने को, कुछ स्नैक्स ऐसा हो, ऐसा हो, तो तो मैम मतलब इसको ना उसको आप वैसे भी कितनी खा देर। सकते हैं, उसको थोड़ा सा जैसे हम लोग चूड़ा बनाते हैं तो वो टाइप में हम थोड़ा नमकीन लोग बनाते बना देते हैं इसमें, हैं नमकीन। कॉर्नफ्लेक्स, हाँ कॉर्नफ्लेक्स और थोड़े, हालांकि मूंगफली मुझे नहीं पता सूट करेगी, थोड़ी नमकीन घर पे ही बनाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ले आते हैं, उसे पकाते हैं इसे, और मूंगफली डाल लेते हैं, और थोड़ा जो भी आप कड़ी पत्ता डालें या कुछ ऐसा डालें, कुछ हाँ ऐसा डालें, नमक हाँ वगैरह जो नॉर्मल बिल्कुल सिंपल जो यस बनता है मैम, वैसी इसको नमकीन बन कितना जाती भी है। नहीं, मात्रा में ले सकते हैं, कोई इशू तो नहीं इसका, देखिए दिन में, दिन जितना में भी एक ले आध सकते हैं? कटोरी, छोटी कटोरी खाने में कोई दिक्कत नहीं ठीक है, है क्योंकि मेंटल लेवल सैटाइटी मैम। भी जरूरी उनको है ना। कोकोनट वाटर ठीक रहेगा? कोकोनट कोकोनट वाटर वाटर चलेगा मैम, कोकोनट वाटर चलेगा, कोई इशू नहीं है, उनको कुछ फलों का रस भी दिया जा सकता है, लाइक दाड़िम है, ऑरेंजेस है, वो भी दिया जा सकता है। उनको वैसे वर्बली बोला था, बट अभी वही मैं सोच रही थी कि अनार उनका दीपन पाचन भी करेगा और उनको जो हैवीनेस रहती है उसमें अच्छा रहेगा, वो ऑलरेडी यस शुरू कर देते हैं दाड़े अनार पीना। जरूर दीजिएगा, अनार बेस्ट है, संतर्पण है, पोषक है, हीमोग्लोबिन को बढ़ा देंगे, सारा कुछ हो जाएगा अनार के साथ ना, एंड पेशेंट को वोमिटिंग सेंसेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब बेस्ट रहेगा, आप अनार देती है तो, और एंड मैं उनको मट्ठा मट्ठा दे सकते क्या दोपहर में? मट्ठा मैम क्या करिएगा ना, उसको मट्ठे हाँ को ना एकदम ताजा और एकदम हल्का पतला वाला बनाकर दीजिएगा, लाइक उसमें खट्टापन तो बिल्कुल भी ना उसमें हो कितना और पानी बिल्कुल रहेगा? फैट जैसे भी ना हो। एक हाँ एक हमारा 100 100 ग्राम जैसे कर्ड है, तो उसमें पानी कितना रहेगा उसको, मतलब 100 ग्राम बनाने कर्ड के है लिए? तो लाइक देखिए मतलब हंड्रेड फाइव ग्राम टाइम्स लीजिए, होना चाहिए कम से हाँ कम, भरपूर डालिए पानी, भरपूर पानी डालिएगा इसमें ना, मिनिमम एंड 5 टाइम्स तो होना चाहिए, बिल्कुल यस उसको पतला, एकदम पतला वाला बना दीजिएगा छाछ ना। पतला हो जाए जिसमें हमने बताया। ठीक है यस yes. मैम, और उसमें कुछ डालने की जरूरत है या बस ऐसे जीरा ही? पाउडर डाल सकते हैं मैम, धनिया पाउडर, जीरा धनिया, आई थिंक ये तो चलेगा ही चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना, लाइक मैम मतलब आंवला चूर्ण भी चलेगा क्या? जी आंवला, आंवला का चूर्ण? आंवला भी जूस, आंवला जूस भी 2-2 चम्मच वगैरह दिया जा सकता नहीं, मतलब है जो मैम। आपने आंवला बताया मैम मैंने जो ये उसका छाछ है सुबह उसमें मॉर्निंग में आंवला का रखा है, चूर्ण मिला सकते हैं, जो छाछ आंवला भी? पर डे उनको 2 आंवला बोला है टोटला क्वाच के साथ देने हाँ को। हाँ अच्छा अच्छा मैम, एक आधा कोई ना आप लाइक जैसे अश्वगंधा या लाइक ब्राह्मी है, इसका जो हमने लाइक चाय बनाते हैं ना काढ़ा, पानक कल्पना में आया है ना, उस टाइप का आप काढ़ा बनाकर भी दे सकते हैं, एक आधा टाइम चाय कॉफी को हटाकर वो दीजिएगा, जिसके साथ हम थोड़ा चाय चेंज नहीं ऑफ। पीते, वो दूध ही पीते हाँ हैं, तो उसका किसका अच्छा शीरपाक देने की जरूरत है इसमें क्या? वो ले लेंगे, वो कुछ भी लेने को तैयार है, उनको कोई इशू नहीं है। फिर पुनर्नवा डाल कर आप जैसे क्षीरपाक, अश्वगंधा, शतावरी, इसमें पुनर्नवा गोक्षु डालिएगा तो थोड़ा डायुरेटिक का भी काम हो जाएगा ना, लीवर मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा रहेगा, तो वो डाल दीजिएगा फिर इसमें। मैम जो पुनर्नवा है क्या हम दूध में डाल सकते हैं? जैसे थोड़ा वो क्षारीय रहता है, मतलब मधुर नहीं रहता है, तो क्या हम इसमें दूध में चलेगा वो क्या? नहीं क्या करिएगा ना इसमें, लाइक आपको मतलब दूध खराब होने की शंका लग रही है क्या?
जी मैम, भी जो बायोलॉजी है वो तो मधुर विभाग है, उससे दूध खराब नहीं हुआ, प्रेग्नेंट लेडीज में भी कई नहीं, लेडीज जैसे में ना दिया मैंने, आपने ना पर दूध को पका पुनर्नवा दिया, एक्सेप्ट मैंने नहीं दिया अच्छा नहीं, लेकिन बहुत जी। सारे लोग तो देते हैं पुनर्नवा गोक्षुर सिद्ध क्षीरपाक बनाकर, तो मुझे नहीं लगता कोई ठीक है, प्रॉब्लम अगर हो देते जाएगा। हैं तो उसी एड ऑन कर देंगे। ठीक है मैम, यस, अगर तो आप दे सकते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, फिर इसी में ऐड दिन हो में जाएगा। आप ना 4-5 बार उनको ना थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल मील्स के हिसाब से ना उनको बनाकर दे सकती है उसमें। अगर कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद है तो वो भी रिकमेंडेड है, और वो मतलब कोई समस्या नहीं है इसमें। नट्स का पाउडर भी दूध के साथ दिया जा सकता है, लाइक आलमंड का पाउडर है और कैश्यूज का पाउडर है, वो भी चल सकता है। आप रेजिंस को भिगो कर भी दे सकते ड्राई फ्रूट मतलब ऑलरेडी हैं। रोज है। नहीं, रेजिंस दीजिएगा, रेजिंस को भी रेजिन भिगो कर दीजिएगा, रेजिंस। तो रखे मैंने किशमिश, और ये मुरक्का जो है मैम, यस, मुनक्का तो चलेगा चलेगा। इनको कौन सा मेडिसिन ग्रोथ ज्यादा अच्छा रहेगा? इनके लीवर में प्रॉब्लम है तो, जैसे इन्होंने बताया। मेरे विचार से तो इसके लिए तिक्तगुरुद अच्छा रहेगा। तिक्तरस कैसे मतलब कार्मिनेटिव दीपन पाचन सारा करता है ना, सो आई थिंक ज्यादा बेस्ट रहेगा तिक्तगुरुद। पंचगव्य भी अच्छा काम करेगा इनके लिए। बस लो फैट, थोड़ा सा प्रोटीन एंड थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा उनका डाइट का प्लान होना चाहिए। और जैसे सीरियल में जैसे पेशेंट ज्वार की रोटी खाने ज्यादा पसंद करते हैं, गेहूं नहीं, यस मैम, ज्वार की रोटी दीजिएगा, हम लोग तो महाराष्ट्र में। आप कहाँ से है चंडीगढ़, आरती जी? चंडीगढ़ चंडीगढ़ तो वहां पे ज्वार की मैम, भी रोटी चलती है। मैं तो चंडीगढ़ से हूँ, पेशेंट गुजराती हैं, हाँ यस यस यस, तो बिल्कुल ज्वार की रोटी दीजिएगा, उनको कोई ज्वार की दिक्कत रोटी ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं। और ज्वार का आटे का ना, जैसे मैंने अभी इसका बताया था आपको लाजा का, वो उसी टाइप में हम लोग ज्वार का आटा का भी मतलब पानी में पकाकर नमक डालकर वो भी खाने को देते हैं पेशेंट्स को, वो भी संतरपण करता है। अच्छा, ऐसे एक मैम एक एक दो चम्मच ज्वार के आटे का, मैम गुनगुने क्लियर नहीं करने, हुआ, आपकी उसको आवाज कट गई थी। ज्वार के आटे का क्या देना? लाइक पेस्ट बनाकर, पेस्ट बनाकर गर्म पानी में उबालकर ठीक है मैम, वो भी दिया जा सकता है। रोटी तो ठीक है, बट लाइक रोटी को चबाना और वो करना, तो इससे अच्छा है उसको पानी में आप उबाल कर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर दीजिएगा, टेस्ट भी अच्छी रहेगा। वो वैसे भी वो रोटी ऐसे नहीं खा पाते, उनको मिक्सी अच्छा तो ठीक है ना मैम, इससे अच्छा तो ये रहेगा ऑप्शन। इसी इसी प्रकार से आप साबुदाने का भी कर सकती है। साबुदाना पता है आपको? हाँ मैम, जी हाँ जी, साबुदाना का हमारे बनता है यहाँ कुछ पे व्रत वगैरह व्रत में में बनाया यूज जाता है होता ना, है। हमारे दही वगैरह उसकी यहाँ क्या? साबुदाने की खीर बनती है, साबुदाने के चिप्स, काफी कुछ मिलता है व्रत के में, हाँ जैसे नवरात्र यस के यस, व्रत तो में। साबुदाना जो होता है ना व्हाइट वाला, उसको भून कर उसका पाउडर बनाकर इस प्रकार से इसको मीठी खीर या लाइक नमकीन वाली भी बना सकते हैं। तो आपके पास ना मैम देखिए, ये ओट्स का है, नाचनी का है, सत्तू का है, और लाइक अभी मैंने ये बताया, एंड देन रवा जो हमारा होता है ना, रवा पता है ना आपको, सेमोलिना जो ये मतलब, सूजी हम बोलते हैं इसको, हाँ बहुत सूजी, यूज यस करते यस हैं हमारे यहाँ। यस यस, इधर भी बहुत यूज करते, तो उसका भी हम लोग उपमा बनाते हैं या हाँ मैम, स्वीट्स उनका जो मेन ब्रेकफास्ट मील उनका उपमा या पोहा ही रहता है, तो उसको मैंने मना नहीं किया है उपमा को, क्योंकि पोहा थोड़ा कम करें, उपमा उपमा खा सकते हैं, उसको पतला बनाकर खाया जाए। पोहे को पतला नहीं बना सकते ना, तो पोहे को चबाना पड़ता है ना, मतलब हिसाब से अगर सोचेंगे तो उपमा इज ओके, उपमा को पतला बना सकते हैं हम लोग जितना चाहे, तो वो तो रिकमेंडेड है सभी पेशेंट्स के लिए, तो रिकमेंडेड ही रहता है। तो ये ऑप्शंस आपके पास, मतलब डेली एक आप सवेरे दे सकती है एंड शाम के टाइम पे 4 बजे के लिए, फिर आप लाइक मूंग का कभी दे दिया एंड दाल का पानी, तुअर के दाल का मैम, पानी, क्या चार चार वो चम्मच बेसन खा सकते हैं? उनका जो मेन स्टेपल मतलब बेसन, उनका हर चीज में बेसन है, तो बेसन कम क्या करें, बेसन कम मैम करें, बेसन हाई मतलब कम प्रोटीन हो करना चाहिए जाएगा, ना, पचाने में बेसन कम मुश्किल हो करें, बिल्कुल कम जाएगा। करें। हम लोग बेसन को भी बहुत रिकमेंड स्वाद बढ़ाता है करते मैम। हैं आयुर्वेद में बहुत ज्यादा। मुझे ये पूछना था, साबूदाना का जो आपने बताया है, हम लोगों के कभी कभी व्रत में उसकी खिचड़ी बनाई जाती है, मतलब साबूदाना लिया, उसमें नमकीन वगैरह, टमाटर, थोड़ा सा आलू लिया। मैम ये साबूदाना किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, इसका थोड़ा बता दीजिए साबूदाना के। साबुदाना एक्चुअली सर, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड साबुदाना के, हाँ
एंड साबुदाना ना थोड़ा सा पचने के लिए, मतलब आप उसको भून कर यूज करते हैं तो हल्का बन जाता है। आप अभी जैसे आपने बताया कि हम लोग महाराष्ट्र में भी उसको बनाते हैं तो उसमें मूंगफली का पाउडर और पोटैटोज वगैरह बहुत ज्यादा डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल देते हैं, तो वो हेवी बन जाता है। तो इसमें आपने कितना घी तेल इस्तेमाल किया इसके ऊपर भी रहेगा। एंड ओवरऑल हम लोग खाते उपवास के लिए है, बट सभी का कहना और अगर उसको शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इट इज हेवी टू डाइजेस्ट। हम लोग खाते उपवास के दिन है बट इट इज हेवी टू डाइजेस्ट। और उसका साबुदाना वड़ा बनाते हैं, उसका कुछ थाली पीठ बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, हाँ, तो ये गुरु बन जाता है। बट जैसे मैंने बताया कि इसको भून कर अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो ये लघु बन जाता है। इसके बजाय हम लोग भगर यूज करते हैं। भगर पता है आपको, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, वही जैसे सूजी के जैसे आती है बेर उपवास। नहीं बेर बता, बटर नहीं नहीं कौन मैम, से बोल रहे हो? बगैर अलग होता है, बगैर अलग चीज हाँ होती है। वो महाराष्ट्र में इसको वराई के मतलब चावल का ही छोटा ऐसे आता है, उपवास के लिए यूज किया। टुकड़ा टुकड़ा टाइप चावल वो जैसा। जी मांग के चावल होते हैं, वो भी व्रत में यूज करते हैं हम लोग। हाँ वो टाइप का ही हाँ होगा, वही मैं मतलब शायद आप मैंने वो एक बार चावल देखा बोल था। रहे हो जो वो व्रत में यूज सामक, करते हैं सामक मंजुली बोलते दादा। हैं हाँ मैम मीठा हमारे यहाँ। सामा सामा के के चावल बोल रहे हैं चावल, क्या मैम? सामा सामा के के चावल चावल बोल बोलते रहे हैं। हैं। यस हाँ मैम, इधर भी हम हाँ बहुत यूज करते हैं इसको, व्रत में यूज वो करते भी हैं अच्छा शायद। रहेगा मैम, वो भी कभी कभार ना चेंज के लिए यूज कर सकती है आप। मैम उनको साठी लेकिन चावल दिया जा सकता है क्या? यस बेस्ट बेस्ट या रहेगा ये साठ चावल अच्छा चम्मच। रहेगा? देखिए कोई भी जो दे रहे हैं ना आप उसको ना 4 चम्मच, 6 चम्मच, 8 चम्मच ऐसे क्वांटिटी में दीजिएगा हिसाब से। लाइक उसको एक प्रमाण रखिएगा, सवेरे इतना फिर शाम में इतना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली जब साठी चावल का जो ये खीर बनता है, जैसे प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में, ये वर्धमान विक्टरी साइन में साठी चावल का बनाते हैं, तो उसमें दूध बहुत ज्यादा मात्रा में लग जाता है। तो मेरे को ये था कि उनका मतलब जो वीकनेस भी नहीं आएगी, तो इसलिए साठी चावल का खीर मैंने सोचा था, नहीं तो क्या है मैम, जैसे देखिए ये अभी ज्यादा बेटर है क्या? आपको जिनको दूध पसंद नहीं है ज्यादा, हम लोग क्या कराते हैं ना, पहले उसको पानी में मतलब उबाल लेते हैं अच्छे से और लास्ट में थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। मतलब दूध वो क्योंकि पकना तो चाहिए, खीर तो अच्छी पकनी चाहिए क्योंकि उसको चबाने की जरूरत ना पड़े, तो पानी में पका दीजिएगा और अल्टीमेटली लास्ट में थोड़ा सा 4 चम्मच 2 चम्मच जितना भी दूध डालना है ना उतना दूध डाल दीजिएगा। मतलब खीर भी बन जाती है और वो कम दूध वाली भी बन जाती तो साठी चावल ज्यादा बेटर रहेगा ना नॉर्मल चावल है। से? ये साठी चावल ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसा नहीं है ना कि दूध में ही पकाया जाए, पानी में भी पकती है ना खीर। हम लोग जो सेवीये की खीर बनाते हैं उसको पहले थोड़ा पानी में पका लेते हैं फिर बाद में ऊपर से दूध डालते हैं। मतलब दूध पसंद नहीं हो तो, वैसे तो दूध में पकी स्वादिष्ट लगती है, बाकी कुछ स्वाद में ही फर्क आता है, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं है ना। ये साठी चावल और ब्राउन राइस की होता है क्या मैम? नहीं वो डिफरेंट है। साठी साठी चावल चावल लाल मैम लाल साठ होते हैं, साठ सिक्सटी दिन में पकते डेज हैं, में जो बनते हैं। होते हैं सिक्सटी ना डेज वो में बनते षष्ठी साठी चावल, यानी जो 60 डेज में उगते वो है। हैं, ब्राउन ज्यादा राइस तो मिलता है आयुर्वेद में और निकृष्ट बहुत ही माना अच्छा है। होता है, ब्राउन मतलब राइस, खाने में ब्राउन राइस तो निकृष्ट है आयुर्वेद के लिए, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। साठी चावल तो बेस्ट है ना, बहुत बेस्ट है वो तो, रिकमेंडेड वैसे है। किराना शॉप में भी साठी मैम चावल बोले साठी तो दे चावल देते क्या हैं, बहुत ही डायबिटीज वाले भी अच्छा खा सकते रहेगा अगर हैं? मुझे बताओ। भून कर खाए डायबिटीज वाले। ओके मैम, भूनना करीब कितनी देर रहता है? जैसे आप बताते हैं कि इससे कफदोष कम हो जाता है, तो करीब कितनी देर के? बिल्कुल रो रो सब डिपेंड अपॉन द मतलब उसके साइज के ऊपर और उसका टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे चावल अगर भूनने लगेंगे ना तो चावल बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं, तो मतलब डिपेंड करता है ऐसे, तो 2 3 से 5 मिनट में वो भून जाते हैं। आपका गैस का स्पीड भी है, आप लो गैस पर कर रहे हैं तो समय लगेगा एंड वो भी रहता है। ठीक है थैंक यू मैम। यस, चलिए फिर मुझे लगता है आज थैंक यू मैम, अच्छी बहुत अच्छा। डिस्कशन हो गया है एंड सो फिर रुके आज के लिए। ओके थैंक यस मैम, थैंक यू मैम। यू मैम, यस, नमस्कार सभी को। थैंक यू मैम। यस।